देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए सरकारें और प्रशासन तमाम कवायदे कर रहे हैं। अस्पतालों में चिकित्सक देश के कई इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बावजूद घंटों पीपीई किट में एक एक संक्रमित की जान बचाने के लिए उपचार कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के उपचार में उपयोग की जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं और इंजेक्शन की नकली खेप की आपूर्ति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुजरात के सूरत में गांधीनगर से आई फूड्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की एक टीम ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कोरोना के उपचार में उपयोग किए जाने वाले टोसिलीजुमैब इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन की आपूर्ति कर रहा था। ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़े पैमाने पर 400 ml की नकली टोसिलीजुमैब इंजेक्शन बरामद की गई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में फूड्स एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के कमिश्नर डॉक्टर H.D. कोशिया ने बताया कि अहमदाबाद के संजीवनी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर देवांग शाह को टोसिलीजुमैब इंजेक्शन को लेकर शंका हुई। ऐसा तब हुआ जब वह एक कोरोना संक्रमित को लाइफलाइन माना जाने वाला ये इंजेक्शन लगा रहे थे। डॉक्टर शाह ने जब चेक किया तो उन्होंने पाया कि इस इंजेक्शन का कंटेंट अलग है। डॉक्टर ने मरीज के परिजनों से उस मेडिकल स्टोर के संबंध में जानकारी ली जहां से ये इंजेक्शन लाया गया था। डॉक्टर कोशिया के मुताबिक साबरमती इलाके के उस मेडिकल स्टोर के मालिक आशीष शाह के बगैर बिल के 1,35,000 रुपये मूल्य इंजेक्शन लेने की बात सामने आई। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि मेडिकल स्टोर संचालक ने इंजेक्शन सूरत के निवासी सोहेल इस्माइल से लिए थे। उन्होंने बताया कि जानकारी के आधार पर ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने इस्माइल के घर छापेमारी की तो उसे गोरख धंधे का खुलासा हो गया। उन्होंने बताया कि नकली इंजेक्शन के मामले में सोहेल इस्माइल, नीलेश लालीवाला, अक्षय शाह, हर्ष ठाठोर और आशीष शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। SPN9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।